हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह वीडियो सोलेंट 5 की नोवल पर बेस्ड पार्ट 72 है। जैसे ही गोल्डन मैमथ की ब्लड लाइन का मार्क फ्यूज हो जाता है, तांगसन को तुरंत ही उसकी बॉडी में चेंजेस समझ आने लगते हैं। अब यदि तांगसन गोल्डन मैमथ के साथ बेहमौत की ब्लड लाइन को फ्यूज कर देगा तो वह 9th ईयर की पीक पर पहुंच जाएगा। इस तरह से गोल्डन मैमथ पूरी तरह से फ्यूज होने के लिए पूरे एक दिन का टाइम लेता है, लेकिन इसके बाद भी यह और 3 दिन का समय ले लेता है। फिर तांगसन ने बेहमौत की ब्लड लाइन को फ्यूज करने की कोशिश की होती है, जो जल्दी ही वॉयलेंट हो जाता है, जिसे तांगसन इनयान की हेल्प से सप्रेस कर देता है, जिसकी तांगसन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। साथ ही तांगसन इसे सप्रेस करने के लिए दूसरे मार्के की पावर का भी यूज करने वाला होता है, लेकिन तांगसन इस बात से खुश होता है। तब उसने बेहमौत के ब्लड लाइन मार्क को गोल्डन मैमथ के पास लाया होता है तो वह खुश होते हुए उसे निगलने लगता है और यह तांगसन की उम्मीद से परे होता है। काफी आसानी से इनका फ्यूजन होने लगता है। 90% फ्यूजन होने के साथ ही एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे तांगसन को लगता है वह उसके सोल सी को खत्म करना चाहता है। तभी तांगसन में छिपा हुआ 7 कलर लिक्विड निकलने लगता है। वह तांगसन को बुरी तरह से दर्द से हिला देता है। यह बैकलैश 2 फर्स्ट क्लास की ब्लड लाइन को मिलाने के कारण होता है। अभी तांगसन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है। यदि सोलसी ब्रेक होता है तो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तांगसन के लिए यह एक क्रिटिकल टाइम होता है। तभी तांगसन के सोलसी से एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। वह एक विस्फोट के साथ आती है, जिसने पूरी ही गोल्डन वैली को हिलाकर रख दिया होता है। लिंगर क्लैन के लोग भी आसमान की ओर देखने लगते हैं। यहाँ तक इसे एशियंट गोल्डन ट्री ने भी फील किया होता है। सभी सोच रहे होते हैं, क्या यह आसमान से गिर रहा है? देखने में लग रहा होता है आसमान फट चुका है और उस गोल्डन वैली पर कोई मैजिकल बैरियर बन गया है, जिसने इसे पूरी दुनिया से अलग कर दिया है। वहीं केव के अंदर तांगसन के सामने एक गोल्डन लाइट टिमटिमा रही होती है और तांगसन के माथे पर गोल्डन ट्राइडेंट का मार्क दिखाई दे रहा होता है और इस गोल्डन ट्राइडेंट के प्रेशर में तांगसन का सोल सीधी सप्रेस हो जाता है और टूटने से बच जाता है। उस गोल्डन लाइट ने उस ब्लड लाइन को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया होता है। उसके सप्रेस करने के साथ वह गोल्डन लाइट और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही होती है। इससे वह क्रिस्टल मार्क जो अब तक चुप होता है, वह भी तेजी के साथ फ्लैश होने लगता है। तांगसन को लग रहा होता है इस पावर के साथ उसकी बॉडी बिखर जाएगी। इसी दर्द के साथ तांगसन के इंटरनल ऑर्गन में गोल्डन लेयर दिखाई देने लगती है। इस तरह से कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होते हैं। इस तरह से सब कुछ 9th ईयर के हिसाब से इवॉल्व हो रहा होता है। वैसे भी अब तांगसन के पास ज्यादातर फर्स्ट क्लास की ब्लड लाइन ही बची हुई है। यदि कोई फर्स्ट क्लास की ब्लड लाइन से भी ऊपर की ब्लड लाइन अपनी प्रेजेंस में आती है तो यह प्लान उसे सप्रेस या खत्म ही कर देता है। और इसी तरह से गोल्डन मैमथ और बेहमौत की ब्लड लाइन एक दूसरे में फ्यूज होते हुए एक नई पावरफुल ब्लड लाइन बन रही होती है, जो क्रिस्टल डीमोन एम्परर के बराबर पावरफुल हो सकती हैं। और यह भी इस प्लान का एक नियम होता है और इन्हें बचाने और बनाने का काम एम्परर तियानियू का होता है। भले ही तांगसन इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन एक पूर्व गॉड किंग के होने के कारण तांगसन के पास खुद का एक तरीका होता है, जिससे वह बच पाता है। तांगसन के पास सुपर आर्टिफैक्ट गोल्डन ट्राइडेंट होता है और इस गोल्डन ट्राइडेंट की प्रेजेंस इस प्लान की एनर्जी से बढ़कर होती है, जिससे भले ही इस प्लान से बैकलैश हो सकता है, लेकिन इससे वह गोल्डन ट्राइडेंट को कमजोर नहीं कर सकता है, जिससे बनने वाली परिस्थितियों को तांगसन ने गोल्डन ट्राइडेंट की हेल्प से सप्रेस कर दिया होता है। अब इसमें कोई शक नहीं, इन कारणों से तांगसन की फ्यूचर में होने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन और भी भयानक होने वाली है, लेकिन अभी इस समय बचने के लिए तांगसन के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता है। अब गोल्डन ट्राइडेंट की हेल्प से तांगसन ने लगभग इन दोनों ही ब्लड लाइन की फ्यूजन को कंप्लीट कर दिया होता है, जिससे इस ब्लड लाइन का मार्क म्यूटेटेड और फर्स्ट क्लास से ऊपर हो चुका होता है। इसी के साथ वह तांगसन की बॉडी को फिर से बना रहा होता है। यह तांगसन की बॉडी को रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। यह एक सुपर क्लास ब्लड लाइन का असर होता है। अब तांगसन के लिए और क्या समस्या हो सकती है? इससे तांगसन पहले ही 9th ईयर की पीक पर पहुंच जाता है। तांगसन की बॉडी को रीऑर्गेनाइज होने में 7 दिनों का समय लगा होता है
और इस जायंट गोल्डन मार्क ने फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया होता है। इसके आगे हिमल्ली स्काई फॉक्स मार्क भी कुछ नहीं होता है। अब तांगसन भी खुद में बहने वाले पावरफुल ब्लड क्यूई को फील कर रहा होता है। उसका जरा सा भी फ्लक्चुएशन आसपास की हवा को जलाने में कैपेबल हो जाता है। तांगसन की ऊंचाई पहले ही 2 मीटर के करीब हो चुकी होती है, वहीं मसल बिल्कुल फटने को होते हैं। यह पावर तांगसन की सुपर ब्लड लाइन की पावर होती है। तांगसन ने काफी सोचने के बाद इसका नाम जिन मैंगवियन रखने का फैसला किया होता है, लेकिन हम इसे गोल्डन मैमथ ही कहने वाले हैं। तांगसन के अनुसार यह पावर में फर्स्ट क्लास गॉड के करीब होता है। तांगसन जानता है यदि इसने और सुपर ब्लड लाइन को जन्म दिया तो यह गॉड किंग से भी आगे निकल जाएगा। जगह कैरी सिटी। अब तक उस घटना को पूरे 45 डे हो चुके होते हैं। मेई ने अभी भी खुद को दरवाजों के पीछे बंद करके रखा हुआ होता है। मेई की जीत की खबर जानबूझकर पिकॉक किंग ने पूरी कैरी सिटी में फैलाई होती है, जिससे सभी क्लैन के लीडर चौंक गए होते हैं। लेकिन इन सब घटनाओं का मेई को कुछ भी पता नहीं होता है। मेई सूरा की यादों में खोई होती है और अभी भी सूरा की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। मेई को उसके जन्म के साथ आया हुआ सुपर आर्टिफैक्ट को इवॉल्व करने का तरीका सूरा ने बताया होता है, जिससे मेई को लगता है वह लगातार गॉड लेवल की ओर बढ़ रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मेई ने गहरी सांस ली होती है और अपने आंसू पहुंचते हुए अंदर आने के लिए कहती है। पिकॉक किंग को देखने में ऐसा लग रहा होता है अब वह मरने वाला है और मेई से कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें भी खुश हो जाना चाहिए। यदि वह किसी जगह है तो वह भी तुम्हारे जय घोष की सुनने की उम्मीद कर रहा होगा और कई प्रकार से मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेई के लिए यह सब बेमतलब लग रहा होता है। लेकिन अब मेई आगे आने वाली जिम्मेवारी को भी लेने से मना नहीं कर सकती है। पिकॉक किंग कहता है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, वह डार्क डीमोन एम्परर है जिसने सूरा को मार डाला है, जिसे पिकॉक किंग एम्परर बनाकर हराया जा सकता है। और मेई के पास जो पावर और एबिलिटी है वह उसके एंसेस्टर से भी ज्यादा है, जिससे वह डार्क डीमोन एम्परर को मारते हुए बदला ले सकती है। यह सुनने के साथ मेई भी हाँ कहते हुए बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मेई आगे किस तरह से तैयार रहा जा सकता है उसके बारे में पिकॉक किंग से पूछने लगती है। तभी मेई ने पिकॉक किंग से कैरी कॉलेज जाने को कहा होता है, जिससे पिकॉक किंग हैरान होता है और कुछ देर बाद मान भी जाता है। जल्दी ही मेई अपना सामान लेती हुई रवाना हो जाती है। मेई ने हुड पहनकर रखा हुआ होता है और पास के जंगल की हवा से मेई के चेहरे पर पहली बार कुछ सूरा के जाने के बाद चमक आई होती है। कुछ ही देर में मेई कैरी कॉलेज गेट के पास होती है, लेकिन नजरें अंदर नहीं जाती हैं, वहीं कोने पर टिकी होती हैं। एक बार मेई ने यहाँ खड़े होने के साथ काफी लंबा इंतजार किया होता है। मेई आज कॉलेज के अंदर नहीं बल्कि यहीं पर खड़े होने का इंतजार करना चाहती है, क्योंकि सूरा ने दोबारा मिलने के लिए 3 दिन के इंतजार का कहा होता है और मेई सूरा के जिंदा होने की उम्मीद में फिर से वहीं 3 दिन का इंतजार करने वाली होती है। मेई के हाथ कांप रहे होते हैं और उन कांपते हुए हाथों से उसी कम्युनिकेटर को प्रेस किया होता है जो कभी सूरा ने मेई को दिया था और कहती है, ब्रदर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमने प्रॉमिस किया था तुम आओगे। बोलने के साथ मेई की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। मेई को सूरा की अभी तक की सभी बातें याद आ रही होती हैं, जिससे वह अपने ही हुड में छिपते हुए रोने के साथ अपना चेहरा भी छिपा रही होती है। एक दिन फिर 2 दिन जल्दी ही बीत जाते हैं। रात होने के साथ 3रा दिन भी आधा बीत चुका होता है, जिससे मेई के दिल में मिलने की आस और भी कम हो रही होती है। लेकिन मेई आखिरी पल तक इंतजार करने वाली होती है। साथ ही मेई के दिल में ठंडी गर्मी के साथ व्हाइट टाइगर का क्लिंग इंटेंट उबल रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, पत्ते गिर रहे हैं, क्या आप मुझे इस तरफ झाड़ू लगाने दे सकते हो? यह आवाज मेई को सुनाई देती है। इस समय मेई का दिल जो क्लिंग इंटेंट में डूबा होता है उसे अचानक जगा देता है और मेई तांगसन की ओर देखने के साथ ही उसे यहाँ सफाई करने से मना कर देती है, क्योंकि तांगसन पूरी तरह से ना सही लेकिन काफी ज्यादा बदल चुका है, जिससे मेई उसे पहचान नहीं पाती है। तांगसन भी वहीं खड़े होकर मेई को घूरने लगता है और मेई कहीं और सफाई करने के लिए कहती है,
लेकिन तांगसन कहां मानने वाला होता है। टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है और मेई की आंखें गुस्से और दुख में लाल होती जा रही होती हैं। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।